लंबे समय से डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के तहत लाने की मांग की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारी गिरावट नजर आ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पेट्रोल डीजल को गुड्स एंड सर्विसेज के तहत लाने के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। अब राज्यों को इसके बारे में फैसला लेना है और वे साथ आकर दरें तय करें। दरअसल पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, वहीं राज्य सरकार द्वारा वैट वसूला जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन मिलाकर अंतिम कीमत आती है। इसके बाद जो पूर्ण होकर कीमत निकलती है उसे लोगों के सामने रख दिया जाता है। हम इस गणना को इस प्रकार समझ सकते हैं कि मौजूदा समय में दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 55.40 रुपए है। इस पर 19.90 रुपए की एक्साइज ड्यूटी 15.39 रुपए का वैट लगता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन क्रमशः 20 पैसे और 3.77 रुपए लगता है। ऐसे में अंतिम कीमत 94.72 रुपए निकल कर आती है। अभी दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस 56.20 रुपए है। इस पर 15.80 रुपए की एक्साइज ड्यूटी 15.82 रुपए का वैट लगता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन क्रमशः 22 पैसे और 2.58 रुपए लागत है। ऐसे में अंतिम कीमत 87.62 रुपए होती है। इसलिए लंबे समय से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है, और अगर ऐसा हो जाता है तो काफी फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी की अधिकतम दर 28% है। दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 55.86 रुपए है। इस पर 28% जीएसटी लगा दी जाए तो टैक्स 15.58 रुपए बनता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन क्रमशः 20 पैसे और 3.77 रुपए जोड़ दिए जाए तो अंतिम कीमत 75.1 रुपए बनती है। ऐसे में पेट्रोल 19.7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है।